बिहार में खराब मौसम और आकाशीय बिजली गिरने से लगातार हो रही मौतों को लेकर बिहार सरकार के आपदा प्रबंध विभाग ने एक ऐप बनाया है जिससे वज्रपात की जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप का नाम इंद्र वज्र है, जिसकी जानकारी मधेपुरा डीएम नवदीप शुक्ला ने लोगों को दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आकाश से गिरने वाली बिजली हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो खुले आसमान के नीचे रहकर भी आसमान से गिरने वाली बिजली से अपनी जान बचाई जा सकती है। डीएम ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए इंद्र वज्र ऐप के बारे में बताया कि इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके मौसम के अलर्ट मिलते रहेंगे। इस ऐप की मदद से वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए आप अपने लोकेशन या फिर अपने लोकेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में होने वाले वज्रपात की सूचना पूर्व ही पा सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको कम से कम आधे घंटे पहले वज्रपात होने की सूचना दे देती है। पूरे राज्य में कई जगह पर दुखद घटनाएं हुई हैं जिसमें अपूर्णीय क्षति भी हुई है। मधेपुरा जिला में भी व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई, ये भागलपुर जिला के निवासी थे। जो उनकी क्षति हुई उसकी तो परिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है, किंतु जो इसमें अनुदान राशि का भुगतान है तत्काल ही कल ही उनको उनके परिवार को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो वज्रपात का अगले 2-3 दिनों में उनको पूर्वानुमान है, इसको लेकर सरकार की तरफ से एक ऐप भी डेवलप करवाई गई है जो इंद्रवज्र ऐप है। इंद्रवज्र ऐप का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करें, या जहाँ पे भी बिजली गिरने वाली होती है उससे पहले कुछ पहले उसमें वो अलर्ट दे रहा है, तो आप इसको भी देखें। इसके अतिरिक्त जो विभाग की ओर से हम लोगों को पूर्वानुमान उसके आ रहे हैं वो तत्काल ही जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो सभी जो हमारे स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधि हैं और आम जन हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया ये जो हम लोग सूचना दे रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और मौसम को देखते हुए बीच बीच में अपना चेक भी करते रहें, और जैसे अगर उनको कहीं लग रहा है कि उनके एरिया क्लियर आया है तो इसको वे आपस में तुरंत ही सर्कुलेट करें, लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करें। इस वक्त मौसम विभाग के द्वारा बारिश के मौसम में हाई अलर्ट जारी किया गया है, और इस वक्त हम मधेपुरा समाहरणालय में हैं जहां पर अभी अभी डीएम साहब ने नवदीप शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इस बात की सूचना दी है। जो मौसम विभाग के द्वारा जो इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप से अधिक लोगों की जान माल बचाई जा सकती है, और लोग तकरीबन आधा घंटा पहले इस वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली और वज्रपात से कैसे बचा जा सके इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस वज्र ऐप से कितने लोगों की जान माल की क्षति को बचाया जा सकता है और कितने लोग जागरूक हो सकते हैं, देखने वाली बात है। इस वक्त मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।